मुश्किल जरा यार वापस भी हो गए यार वापस भी हो गए गाना गा रहे किताब गलत नहीं बजाओ हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज हुनैन गौरी एंड वेलकम बैक टू हुनैन गौरी ब्लॉग एंड आ गए आज एक और फिर ब्लॉग लेके। आज का असल में सीन कुछ ऐसा है, आज हम आए हैं अपने इसको भी अभी गिनना है ऑफिस के जो दोस्त हैं हमारे भाई हैं उनके घर पे आए हैं। क्या करना है, गिटार बजाना है और साथ में हमारे एक है ये वाला नमूना अशद, जानते हैं अब इसको मैच वाले ब्लॉग में आपने देखा हुआ, और दूसरे हमारे भाई हैं तैमूर भाई, गिटार ऐसे लेके बैठे हैं। आतिफ असलम को पीछे छोड़ दिया उन्होंने अभी हम आ गए इनके स्टूडियो में। स्टूडियो तो ऐसे फुल भाई ट्रॉफियां रखी हुई उन्होंने, मस्त काम किया होगा सब यार। अब वॉइस मेरी खराब कर रहे हो बे साले, खामोशी बेहतर है। अच्छा अभी हम गिटार बजाने वाले हैं और अगर वॉइस अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तब भी लाइक कर देना, मसला नहीं है। और मैंने सीखना है यार आज, और मैं सीख के जाऊंगा फिर एक अपना खरीदूंगा, फिर बाकी पता नहीं घर वाले क्या करेंगे मेरे साथ। तुमसे ना हो पाएगा बस ट्राई करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर। नहीं होगा तू वो ऐसा गाओ। चलो मैं शुरू करता हूँ। वो वाला नहीं है आतिफ असलम का, आकाश का सो वो वाला है, वो गलत नहीं है जो मैशअप है पूरा। ये इसे कैपो कहते हैं और ये गिटार में लगाया जाता है, इसको लगाने से आपके कॉर्ड्स इजी हो जाते हैं, बेसिकली कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, हल्की स्लो में भी दिएगा थोड़ा सा। तो ये कैपो लगाने से आपके कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। और कॉर्ड्स क्या होते हैं ये जरा बताएं यार। कॉर्ड्स होते हैं यानी किसी भी गाने के जो पीछे बेस जो चल रही होती है ना म्यूजिक की, वो कॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, और वो सुर उसके ऊपर गाना पूरा रखा हुआ, कॉर्ड्स के ऊपर ही गाना होता है। सही। तो इसको लगाने से फायदा ये होता है कि हम जैसे कनाड़ी लोग हैं तो हमारे लिए कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं, हम इसी में किसी भी स्केल का प्ले कर सकते हैं। तो यानी ये हैंगर है, आप इसके ना सही से टंग जाते हैं। हां सही समझ ले, ये बढ़िया था गुरु। सही है, डन हो गया। चलें अब कौन सा गाना गा रहे हो?
नहीं नहीं मैं भी गाऊंगा, वो तो रिकॉर्ड किया वैसे। मस्त है भाई अपना जूम। मैं लिरिक्स निकाल लूं जाके भूल जाए अंदर ही बैठी बुलाया है। नेक्स्ट उसी का वो है सेशन। ये सितार यही है, ये सितार रखेंगे आप तब परवीन आगे बजाएगी। हां और अशद आपकी आवाज स्लो हो सकती है। हां ये स्पेशल बनाया है कि ऑडियंस की आपका क्या कहना है अशद की वॉइस के बारे में? देखो मैं तो सपोर्ट करूंगा, बंदे की आवाज खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, लेकिन इतनी खुले कि सामने वाले के कान ना खुले। कहानी सुनो कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारूं, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल जरा यार वापस हो गए यार वापस हो गए गाना गाओ गाने का भेज दो बैकग्राउंड म्यूजिक कवर कर सकता हूँ। ये सीन अलग से आएगा इंट्रो के अंदर। कैसा लग रहा है टीम लीडर? अबे यार पता चला किसी के इंटर आने में कैसा। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं यू यू रिक नहीं नहीं यू करके सही बोलते हैं। निकली है शायद निकली। तुझे देखा मुझे स्केल सेट करने दे। हंस लूं नदियां में ना मेरे नालनी बेजर है। मैं बता दूंगा गाने मुझे याद है तो भाई नदी नाले भी बोलती है। वो आगे जाके नदी में नाले बोलती है। आगे जाके मुझे याद है। नहीं है नाले में क्या होता है? कवर है वैसे भी। लेकिन नाले में कौन सा मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा। नहर को गांव में रहते हैं। मैंने तुझे देखा हंसते हुए ख्यालों में बेजर ख्यालों में हुस्न के हवालों में सोनी के बालों में ओरनी की चालों में मट्टी के प्यालों में पीतल के थालों में जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे तो भाई गिटार हो गया सब हो गया गाने वाने गा लिए फिर मस्त हो गया खूब मजा आया। अब हम जा रहे हैं घर को, वो अपने घर को सारे अपने अपने घरों को निकल रहे हैं और ये है हम स्टूडियो में खड़े। देन भाई घर जाना है जी भाई घर ही जाना है एक्स्ट्रा कर दें फिर चलते हैं। सबको जल्दी घर जाने की टाइम क्या हो रहा है?
आठ साढ़े आठ का टाइम है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। नौ बज गया, चलो भाई अब निकलने, मेरे को वहाँ यहाँ घर पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाना है। और अगर मज़ा आया तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर अच्छी लगी तो मुझे बताएं, आप गाने मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन गानों को यहाँ की रिक्वेस्ट करके, और मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा सा, तो सीख के इंशाल्लाह और बजाएंगे और सबके बजाएंगे फिर सॉन्ग, गलत नहीं समझेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।